गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सब क्लास फोर्थ की बुक पसंद हिंदी पाठमाला की लेसन सिक्स सच्ची मदद नामक एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं। यह कहानी एक परिंदे की है, कैसे वो परिंदा अपने परिवार से पिछड़ता है और अपने कठिन परिश्रम के द्वारा वो वापस अपने घर तक पहुंचता है। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। एक नन्ना परिंदा अपने परिवारजनों से पिछड़कर अपने आशियाने से बहुत दूर आ गया। उस परिंदे ने तभी अच्छे से उड़ना सीखा भी नहीं था। वो लगातार प्रयास कर रहा था लेकिन उड़ नहीं पा रहा था और बहुत परेशान हो गया। वह बार बार प्रयास करता था, उड़ता था, कुछ दूर पे जाता था, फिर गिर जाता था। उसके उड़ान भरने की इस लगातार कोशिश को कुछ दूर से एक अनजान परिंदा अपने मित्र के साथ बड़े गौर से देख रहा था। कुछ देर देखने के बाद वे दोनों परिंदे उस नन्हे परिंदे के पास आ गए। नन्हा परिंदा पहले तो उन्हें देख के घबरा गया, फिर उसने सोचा शायद उसकी कुछ मदद ये लोग कर दें। अनजान परिंदे ने पूछा, क्या हुआ नन्हे परिंदे, काफी परेशान हो? नन्हा परिंदा ने कहा, मैं रास्ता भटक गया हूँ और मुझे शाम होने से पहले अपने घर पहुँचना है। मुझे उड़ना अभी अच्छे से आता ही नहीं। मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे, क्या आप मुझे उड़ना सिखा सकते हैं? मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ पर उड़ नहीं पा रहा हूँ। अनजान परिंदा कुछ देर सोचने के बाद बोलता है, जब उड़ना आता ही नहीं था तो इतनी दूर निकलने की क्या ज़रूरत थी? और अपने मित्र के साथ उसका मजाक उड़ाने लगा। अब नन्हे परिंदे को बहुत गुस्सा आने लगा। अनजान परिंदे ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, देखो हम तो उड़ान भरना भी जानते हैं और अपनी मर्जी से कहीं आप जा भी सकते हैं। इतना कहकर अनजान परिंदे ने उस नन्हे परिंदे के सामने ही अपनी पहली उड़ान भरी और फिर वापस आ गया। और वापस आने के बाद उसने उसे फिर कुछ कड़वी बातें कहीं, उसका मजाक उड़ाया और 5-6 बार उसने ऐसा किया। वो बार बार उड़ता था, कुछ दूर जाता था और फिर वापस आता था। लास्ट टाइम जब वो उड़ के वापस आया तो उसने देखा कि यह नन्हा परिंदा तो नहीं है, तो उसने अपने मित्र परिंदा से पूछा, क्या नन्हे परिंदे ने उड़ान भर ली? उसके चेहरे पे खुशी भी थी। तो मित्र परिंदा ने कहा, हाँ नन्हे परिंदे ने उड़ान भर ली, लेकिन तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो मित्र? तुमने तो उसका बहुत मजाक बनाया। तब अनजान परिंदे ने कहा, मित्र तुमने सिर्फ मेरी नकारात्मकता पे ध्यान दिया था, मेरी सकारात्मकता पे नहीं। और उस नन्हे परिंदे ने मेरी चाल पे ध्यान दिया था, मेरी सकारात्मकता पे ध्यान दिया था। वो ध्यान से देख रहा था कि मैं किस तरह उड़ रहा हूँ और इसी कारण उसने बहुत जल्द उड़ना सीख लिया। तब मित्र परिंदे ने कहा, जब तुम्हें उड़ान भरना उसे सिखाना ही नहीं था तो उसका मजाक क्यों कर रहे थे? तब जब सिखाना ही था तो सिखा देते। तब अनजान परिंदे ने कहा, मित्र नन्हा परिंदा अपने जीवन की पहली उड़ान भर रहा था और मैं उसके लिए अजनबी था। अगर मैं उसे सीधे तरीके से उड़ना सिखाता तो पूरी ज़िंदगी मेरे एहसान के नीचे दबा रहता और स्वयं कुछ प्रयास करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन जब मैंने उसका मजाक उड़ाया है तो उसके अंदर एक लगन है जो मैंने देखा है, और उस मजाक उड़ाने की वजह से वो लगन और ज़्यादा जागृत हो गई है और उसने कोशिश करना सीख लिया है। अब उसे जीवन में कभी भी किसी से मदद नहीं मांगनी पड़ेगी, वह स्वयं अपने परिश्रम से सारी मुसीबतों का सामना कर सकता है। उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया है। तब मित्र परिंदे ने कहा, तुम महान उमित, तुमने जिस तरह से उस नन्हे परिंदे की मदद की वही सच्ची मदद थी। इस तरह से यह कहानी समाप्त होती है। और इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और कोई भी कार्य अगर हम करना चाहते हैं तो उसे हम जरूर कर सकते हैं और वह कठिन नहीं रह जाता है हमारे प्रयास के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, अब आप सभी बुक एक्सरसाइज जो कि पेज नंबर 33 एंड 34 यानी 33, 34 एंड 35, इन तीनों को आप सॉल्व करेंगे। मैं जल्द ही आपको इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगी। बिल्कुल खूब अच्छी राइटिंग में पेंसिल के द्वारा बुक वर्क कंप्लीट कीजिएगा। साथ ही चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, कठिन शब्द, श्रुतिलेख, शब्दार्थ, सारी चीज़ें भी आपको मैं पीडीएफ शेयर करूंगी। आप सबको सबसे पहले
पाठ नंबर डालना है, पाठ संख्या डालना है, उसके नीचे पाठ का शीर्षक, फिर आप कठिन शब्द लिखेंगे। कठिन शब्द आप एक रो में 3 से ज़्यादा मत लिखिएगा और इसे सुंदर अच्छी राइटिंग में लिखिएगा। श्रुति लेख पारा नंबर 3 लिखना है आपको, पेज नंबर 31 से, पेज नंबर 31 का पारा नंबर 3 लिखिएगा। उसके बाद शब्दार्थ, वाक्य प्रयोग, प्रश्न उत्तर, ये सारी चीज़ें आपको अपने फेयर कॉपी में करनी है। और कंप्लीट करने के बाद आप सभी को इन प्रश्न उत्तर को या अपने एक्सरसाइज को अच्छे से लर्न कर लेना है। थैंक यू।